गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शुभांकर और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइफ टेल्स। तो फिलहाल आप स्विट्जरलैंड सीरीज तो देख ही चुके होंगे, तो फिलहाल मैं हूं आज गुवाहाटी में। मैं आया हुआ था घर पे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में 12 या 13 ज्योतिर्लिंग है, तो आज उन्हीं में से एक छठा नंबर बोल सकते हो, सिक्स्थ ज्योतिर्लिंग विजिट करने के लिए मैं आया हुआ हूँ, जो कि है पहमोही गुवाहाटी में। टू माई सरप्राइज, ये मुझे पता नहीं था कि गुवाहाटी या आसाम में भी एक ज्योतिर्लिंग है, बट बहन ने बताया कि यहाँ पे एक शिव मंदिर है जो यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जाते हैं। तो आज पूर्णिमा है, तो मैंने सोचा, और मौसम भी काफ़ी सुहाना है, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा शिव भगवान पे पानी चढ़ाया जाए। तो उसी चक्कर पे मैं आया था, तो आके यहाँ पे देखा हूँ कि गवर्नमेंट बोर्ड्स लगे हुए हैं कि दिस इज़ द सिक्स्थ ज्योतिर्लिंग। ये एक पहाड़ के ऊपर है एंड इसके सराउंडिंग भी काफ़ी सुंदर है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लोकेशन जो है मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, और ये जो प्लेस है इसका, इसके बहुत ही नज़दीक एक जगह है जिसका नाम है दीपोर बिल। दीप मतलब होता है आइलैंड, बिल आसमिस में मतलब होता है पॉन्ड। तो एक बहुत ही बड़ा वेटलैंड है एंड ये जो जगह है दिस इज़ वेरी फेमस, क्योंकि हर साल विंटर में यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो आपने तो सुना ही होगा कि असम एंड मोरिंगा डिस्ट्रिक्ट में हर साल देश विदेश से पक्षियाँ आते हैं जस्ट टू कमिट सुसाइड। तो अगर आपको ये फैक्ट पता नहीं था, एक बार गूगल कर लेना। तो जाते हुए मंदिर से आपको दीपोर बिल भी दिखाऊंगा। इट्स अ वेरी बिग वेटलैंड एंड यू कैन से कि असम का वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर स्टोरेज रिजर्वर, नेचुरल वाटर रिजर्वर। और ये जो मंदिर है, ये जैसे खोजा गया था पहाड़ के बीचों बीच, कोई ज़्यादा बनावटी नहीं है, जैसे है जंगल में ये वैसे ही है विद वेरी मिनिमलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मंदिर के मुख्य, तो अभी अंदर जाते हैं, पता नहीं कैमरा यूज़ करना अलाउड है भी या नहीं, तो फिलहाल चप्पल को रख देते हैं यहीं पे, रख के अपन जाते हैं। तो क्योंकि आज सोमवार है और पूर्णिमा भी, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। आप नीचे देख ही पा रहे होंगे कि लोग काफ़ी तादाद में लाइन से खड़े हैं, और इसकी जो स्टोरी है काफ़ी फैसिनेटिंग है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, और अभी मैंने यहाँ पे लोकल से पता किया, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले पूजा दे के आता हूँ। तो मंदिर के सामने आ चुका और लाइन काफ़ी लंबी है, तो बहन को लाइन पर खड़ा कर दिए कि तुम लाइन पर रहो, तब तक मैं ये मंदिर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। और ये पूरे घने जंगलों में है एंड पानी की आवाज़ आप सुन ही रहोगे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो है पहाड़ से आती हुई एक छोटी सी झरना बोल सकते हो, या वाटर स्ट्रीम बोल सकते हो, काफ़ी साफ़ सुथरा है एंड सुंदर भी है। तो यहाँ से ये बहते जा रही है एंड उसी पे लोग जाके पूजा वगैरह भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक टोटली फैसिनेटिंग। तो ये जो सिक्स्थ ज्योतिर्लिंग है, तो इसका नाम है यहाँ पे भीमा शंकर। जैसे कि आज तक 13 या 12 जो भी ज्योतिर्लिंग है, एग्जैक्ट नंबर मैं भूल चुका हूँ, 12 है या 13 है, तो उसमें से मैं आज तक दो में ही गया हूँ, शायद नहीं, महाराष्ट्र में 5 है मोस्टली, उसमें से मैंने शायद 2 कवर किए थे एंड कोलकाता में भी एक है तारकेश्वर के नाम से, तो वो मैं अभी तक विज़िट नहीं कर पाया हूँ। बट आज भगवान ने शायद खुद ही से मुझे बुला लिया यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो हम आए हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग विज़िट करने आज, एंड इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं उससे मुझे पता चला कि भीमा शंकर जो है रावण
तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो स्टोरी है वो काफ़ी फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये जो मंदिर है तो रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण और उनकी वाइफ करकटी ने एक राक्षस को जन्म दिया था, या उनका संचयन किया था, लाइक दे इनिशिएटेड दिस राक्षस जिसका नाम था भीम, हु वाज एज पावरफुल एज हमारे भीम फ्रॉम द पांडव्स। तो जब भीम राक्षस को जन्म दिया गया बाय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण एंड करकटी, तो उन्होंने राम के द्वारा कुंभकर्ण को मारने की रिवेंज लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले कामरूप ज़िला, दैट इज असम टुडे, कामरूप में आके यहाँ पे जो राजा थे उनको यहाँ से उनके साम्राज्य को कब्जा कर लिया था। तो असम कामरूप के राजा ने उनके बीवी के साथ इस पर्वत पे आके उन्होंने एक मूर्ति पत्थर और मिट्टी से बना, अपने हाथों से पत्थर एंड मिट्टी को बना के एक शिव मूर्ति बनाई थी। तो उन्होंने शिव का ध्यान किया, फिर कुछ टाइम बाद शिव प्रसन्न होकर उसी मूर्ति से प्रकट हुए थे और अपना त्रिशूल यहाँ पे दे मारा था, मतलब यहाँ पे फेंक दिए थे। और क्योंकि भीमासुर ने कब्जा कर रखा था, तब जब राजा ने शिव प्रकट होने के बाद राजा ने उनसे विनती की, तो राजा ने जो राक्षस गण यहाँ पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ था उन सब का नाश किया। और तभी जितने देवता गण है सब ने शिव को बोला कि आप इस प्रदेश के कल्याण हेतु आप इसी स्थान पर विराजमान हुई है, और तभी से इस जगह का नाम हो गया भीमाशंकर एंड भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि शिव खुद यहाँ पे प्रकट हुए थे और यहीं पे जहाँ पे हम अंदर जाएंगे पूजा करने वहीं पे अपना त्रिशूल छोड़ा था। तो चलिए अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये नटराज की एक मूर्ति है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी अलग है, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नटराज एंड शिवाज फॉल। जब हम आए थे लाइन काफ़ी छोटा था, और अभी बज रहे हैं सवेरे के ऑलमोस्ट 12:15, तो लाइन काफ़ी लंबा हो चुका है और हम फिलहाल भगवान जी के काफी नजदीक आ पहुंचा। वो रहा ज्योतिर्लिंग जहाँ पे हर कोई जल और दूध चढ़ा रहे हैं, और हम भी अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कोई भी नल या कल या नदी से पानी नहीं, डायरेक्ट इसी स्रोत से पानी ला के यहाँ पे रखते हैं, और आपको लोटा लेके यहीं पे शिवलिंग पे चढ़ाना है। और तो हम घर से दूध ले आए थे, तो यहाँ से लोटे में भर लिया है और अब चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। फिलहाल बज रहे हैं 12:10, और हमारा पूजा करके हो चुका है, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ। बट उससे पहले आपको दिखाएंगे दीपोर बिल, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और ये जो स्पैच है, दिस इज़ ऑल्सो अ एलिफेंट कॉरिडोर, तो यहाँ पे आए दिन जंगल से हाथी निकलते हैं। तो और ये जो दीपोर बिल है ये काफ़ी बड़ा फिशरी भी है, क्योंकि वेटलैंड है तो माछ मछली तो होंगे ही। एंड आज मौसम यहाँ पे काफ़ी क्लाउडी है, गर्म या गर्मी कम है, तो यहाँ पे मौसम जो है वो पूरा क्लाउडी सा हो रखा है, गर्मी तो उतना नहीं है बट ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं पसीने से हूँ लथपथ।
और अभी 12:10 हो चुके हैं, मैंने सवेरे से चाय के अलावा कुछ खाया नहीं है, तो थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है क्योंकि घर पास ही है, तो बाहर खाना पीना तो नहीं करेंगे, बट आपको दीपोर बिल दिखाते हुए फटाफट भागेंगे घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं दीपोर बिल। और हम जा ही रहे थे तो मुझे ये भी दिखा, जंगल में चढ़ते हुए गाय और भैंस मस्त गर्मी में नहाने का आनंद ले रहे हैं। ये देखो बफेलोज। वैसे असम में गाय ज्यादा दिखी जाती है, बफेलोज बहुत कम ही देखने को मुझे मिलती है। तो यहाँ पे जो लोकलाइट्स होंगे ये शायद उन्हीं के होंगे या जो। तो ये जो भैया हैं वो भैंसे इनकी है और ये उनको चढ़ा रहे, गर्मी का मौसम है तो उन्होंने नहाने के लिए लेके गए। और उनके कमर में देखिए जैसे गोरखा का खोखरी होता है वैसे असम में इनका होता है हांगडेंग, और बेसिकली हम उसको एसेस में हाथ दाव भी बोलते हैं। वैसे गाड़ी काफ़ी ऊपर तक चढ़ा रखा है बट यहाँ से थोड़ा और पैदल हमें जाना है अपने गाड़ी तक। तो पूजा करके हम गाड़ी से नीचे की तरफ जा ही रहे थे तो एक भाई ने हमें रोका कि उसके ठीक आधे नीचे आते आते कि यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, तो हम गाड़ी घुसा दिए लंगर के लिए फिलहाल। और अब फिलहाल उस आपको जैसे बोल ही रहा था कि आज सवेरे खाना हुआ नहीं था, लंगर मिल गया भगवान का प्रसाद और बहन ले आई है चाय। तो चलिए करते हैं पेट पूजा। तो हमारा लंगर सेवा एंजॉय करके हो चुका, काफ़ी भूख लगा था तो खा के काफ़ी तृप्त हो गए। तो अब चलते हैं घर की तरफ और उससे पहले दीपोर बिल दिखाते हैं। तो हम ऑलमोस्ट आ पहुंचे हैं, तो ये है दीपोर बिल। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं तो नारियल वारियल लेके साइड में लोग खड़े हैं, तो उतर के मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो रास्ता है ये भी काफ़ी सही रहता है शाम के वक्त, आज तो चलो धूप नहीं है बट शाम के टाइम पे सनसेट यहाँ पे काफ़ी सुंदर रहता है। तो कहीं एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे दुकान वगैरह कुछ होगा एंड देन आपको उतर के मैं दिखाता हूँ। एक मेरे राइट हैंड साइड पे ये बड़ा सा झील है और ये काफ़ी बड़ा है, लाइक आई कांट गिव यू इन नंबर्स क्योंकि नंबर्स बोलने जाऊंगा तो इधर उधर हो जाएगा, तो उससे अच्छा आप देख के एक अंदाज़ा लगा लो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये बंदा नाव लेके निकला है, तो ये क्योंकि काफ़ी पूरा इलाका है, आपको नॉर्मली देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा जैसा लग रहा है, लाइक इट्स मोर लाइक इस साइड पानी है एंड इस साइड जंगल और पहाड़ है, तो अक्सर यहाँ पे हाथी आते जाते रहते हैं और हमारा एयरपोर्ट कुछ उस इलाके में दूर कहीं पे है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक फ्लाइट अभी उड़ते हुए ऊपर की तरफ टेक ऑफ कर रहा है। तो यही है दीपोर बिल दोस्त, अभी टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो बोट लेके आप बोटिंग के लिए जा सकते हो यहाँ पर। तो चलो चलते हैं एक चाय पीते हैं, पी पा के निकलते हैं। तो ये जो लगा है ये दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्लोरा एंड फौना है जिसको प्रिजर्व किया जाता है। तो और यहाँ पे एक रेल फाटक है जो कि अभी बंद है, तो ट्रेन में रहते हो तो काफ़ी सुंदर नज़ारा आता है। तो फिलहाल अभी 1 बजने को है तो मोस्टली राजधानी गुजरेगी यहाँ से। और तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ये एक एलिफेंट कॉरिडोर है, तो यहाँ पर मार्किंग्स किए हुए हैं। पहले यहाँ पे आबादी लोगों का काफ़ी कम था बट फिलहाल क्योंकि ये एक एयरपोर्ट जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी बन चुका है और हाईवे पे काम चल रहा है, तो आजकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो चलिए मैंने आपको दिखा दिया, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अनटिल नेक्स्ट टाइम, पसंद आया रहेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।